प्यारे दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हमारी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, पर इसके बारे में जानने की इच्छा तो होती है लेकिन सही से जानकारी नहीं मिल पाती है। आज हम लोग बौने क्यों होते हैं इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर लास्ट तक बने रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं। दोस्तों, हम अपने जीवन में तरह तरह के लोग देखते हैं। कुछ लोग बहुत लंबे होते हैं तो कुछ बहुत ही छोटे। आमतौर पर मध्यम कद के लोग अधिक देखने को मिलते हैं। कभी कभी तो ऐसे लोग भी दिखाई देते हैं जिनका कद इतना छोटा होता है कि उन्हें देखकर हमें हंसी तक आ जाती है। सर्कस में हंसाने वाले जोकर बौने ही तो होते हैं। इंग्लैंड में टॉम थंब नाम का एक ऐसा बौना था जिसकी लंबाई केवल 3 फुट 4 इंच थी। उसका वजन 25 वर्षों की आयु में लगभग 11.5 किलोग्राम था। क्या आप जानते हैं लोगों की लंबाई कम क्यों रह जाती है? मनुष्य की लंबाई में वृद्धि कई बातों पर निर्भर करती है। सामान्य रूप से मनुष्य की लंबाई वंशानुगत गुणों के कारण होती है। जिस व्यक्ति के माँ बाप लंबे होंगे वह व्यक्ति भी लंबा ही होगा। छोटे कद के माँ बाप के बच्चे भी छोटे ही कद के होते हैं। बौनेपन का दूसरा कारण बीमारी भी हो सकती है। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है जो लंबाई में वृद्धि को रोक देती है। बौनापन पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोनों की कमी के कारण भी हो सकता है। बहुत से बच्चे बचपन में तो तेज़ी से बढ़ते हैं लेकिन फिर उनका वजन अचानक रुक जाता है। उनका बौनापन हार्मोनों की कमी के कारण होती है। इस प्रकार के बौनेपन को हार्मोनों के इंजेक्शन देकर दूर किया जा सकता है। कुछ जातियाँ ऐसी होती है जिनमें लोग आमतौर पर लंबा होता है। कुछ जातियाँ ऐसी भी होती है जिनके लोग छोटे कद के होते हैं। अफ्रीका में वातुनी और मासी नामक जातियाँ ऐसी है जिनमें लोग 7 फुट तक लंबे होते हैं। इसके विपरीत अफ्रीका में पिग्मी जाति के लोगों की लंबाई केवल 4.5 फुट होती है। कुछ बौने लोग ऐसे भी होते हैं जिनका सिर और धड़ तो सामान्य आकार का होता है लेकिन उनकी टांगें और बाहें छोटी होती है। ऐसा प्रायः हड्डियों की एक बीमारी के कारण होता है। धन्यवाद।